हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है स्टेट द प्रिकॉशनरी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंटरप्राइजेस टेक। तो ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशनरी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि एक एंटरप्राइज लेती है, ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे आना है, आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो बेल आइकन है इसे दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको वहां पर ढेर सारे फायदे मिलेंगे। मैं एक एक करके दोनों चीजें बताता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ इग्नू बीकॉम में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो की ₹119 का होगा। यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस फी को पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मोर अबाउट प्रोडक्ट्स में जा करके यहाँ पे एक चैट का लिंक दिखेगा, व्हाट्सएप चैट का, जिसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है सॉल्व असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पर, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये प्रोसेस होने वाला है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल के थ्रू करें, हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू करें। आप यहाँ पर आएं और हमारे प्लेलिस्ट को एक तरीके से वॉच करें सारी चीजों को वन बाय वन। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बीकॉम न्यू के नाम से एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट जो है आपको दिख जाएंगे, जिनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट द प्रिकॉशनरी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंटरप्राइजेस टेक्स। ठीक ना, so as we know that every business is moving online to achieve the cyber security basis, certain things need to be taken care as discussed below. तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी के टाइम पे सारी की सारी जो businesses हैं वो online move कर रही हैं, offline physical form में जो businesses अब काम नहीं कर रही हैं, अब वो online move करना चाह रही हैं। और इस online चीज को achieve करने के लिए उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और cyber security उसमें से एक है। अगर आप online जाओगे तो आपको cyber security का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से measures हैं जिसको लेकर के वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को एक तरीके से इंटैक्ट रखते हैं या अपनी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, उन मेजर्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि यूनिफाइड है और आपको तुरंत बता देता है कि यहाँ से आपको जो है थ्रेट होने के चांसेस हैं। सो देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी अप्लायंसेस व्हिच एक्ट एज द गेटवे टू द इंटरनेट, है ना। तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए सिक्योरिटी अप्लायंसेस का जो कि एज ए गेटवे टू द इंटरनेट आपके लिए काम करे, है ना, जिससे आपका जो है थ्रेट आपके साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्टली थ्रेट ना पड़े, उन अप्लायंसेस के थ्रू आप जो है इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब कोई थ्रेट होगा तो वो अप्लायंसेस जो है आपको बता देंगे कि देखो यहाँ पे थ्रेट यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे चीजों को मैनेज करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो अ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहला जो है इनका मेजर्स है आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है अ स्पैम फिल्टर। तो आपको एक फिल्टर लगाना होगा जो कि आपको ये बताएगा कि ये चीजें जो है स्पैम है। स्पैम का मतलब ऐसे लोग जो कि आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, राइट। सो स्पैम फिल्टर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड ईमेल एंड प्रिवेंट दोज मैसेजेस फ्रॉम गेटिंग टू अ यूजर्स इनबॉक्स, है ना। तो स्पैम फोल्डर जो होता है, स्पैम फिल्टर जो होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि डिटेक्ट करता है ऐसी जानकारियों को, ऐसी मेल को जो कि अनसॉलिसिटेड होती है एंड अनवांटेड होती है, जिस मेल को आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती पर फिर भी लोग आपको मेल भेज रहे हैं, आपको पहचानते नहीं है, आप उनको नहीं जानते हो, फिर भी आपके पास मेल्स आ रही है। तो ये जो है डायरेक्टली आपके यूजर्स इनबॉक्स में नहीं जाता बल्कि ये स्पैम फोल्डर में जमा होता है। अब आपको अगर सही लगता है तो आप उसे ओके कर दो, वो आपके इनबॉक्स में चला जाएगा, पर अगर नहीं लगता है तो उसको स्पैम में रहने दो, है ना। तो एक स्पैम फिल्टर का एक ऑप्शन होता है जो कि इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। लाइक अदर टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग प्रोग्राम्स, अ स्पैम फोल्डर लुक्स फॉर डेफिनेट क्राइटेरियन ऑन व्हिच इट बेसेस जजमेंट्स, है ना। तो जिस तरीके से अदर जो फिल्टरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसका भी सेम एक फिल्टर प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वो जो है डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करता है और जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता उसको वो एज ए स्पैम, उसको स्पैम वो कर देता है।
On the other hands, it stops potentially malicious files from entering the network via email. यही मैं कह रहा था कि ये जो है, इसके अलावा जो है, वो potentially जो malicious file है, जिसमें virus हो सकते हैं, you know, उसको वो आपके network में घुसने से मना करता है. देखो, जो viruses transfer किए जाते हैं ना, वो generally जो mail है ना, mail के through ही transfer किए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके मेल को ही स्पैम फोल्डर में डाल देगा, तो आपके नेटवर्क में एक तरीके से वायरस जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना. तो स्पैम ये कर देता है पहले ही मेलिशियस फाइल्स को, जिससे कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका नेटवर्क है, वो बचा रहता है. ठीक है, एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये अभी के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चीजें जो है, यू नो, वायरसेस जो है वो आ रही हैं, बहुत ज्यादा लैपटॉप्स को एक तरीके से, जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक तरीके से हैंग कर देती हैं, आपके डेटा को थेफ्ट कर लेती हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो इस चीज के लिए आपको, आपके पास एक एंटीवायरस एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वॉज ऑरिजिनली डेवलप टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस, हेंस द नेम. एंटीवायरस जो है स्टार्ट में बनाया गया था ताकि वो जो है कंप्यूटर से वायरसेस को एक तरीके से हटाया जा सके, और इसलिए उसका नाम जो है एंटीवायरस पड़ा. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि जिसे हम लोग एवी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज एंटी मेलवेयर. अब इसको एंटी मेलवेयर भी बोलेंगे, मेलवेयर का मतलब भी वही होता है, मतलब गंदी चीज, है ना. तो गंदी चीजों को कंप्यूटर से हटाना इज एंटी मेलवेयर. इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम. अब ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है विच प्रिवेंट, जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस को ढुकने से रोकता है, या अगर घुस गया है तो उसको डिटेक्ट करता है, एंड रिमूव मेलवेयर, और उसको वहां से हटा भी देता है. ये किसका काम हो गया आपका, ये हो गया एंटीवायरस एंटी मेलवेयर का काम. दीज आर एप्लीकेशन विच प्रोटेक्ट सर्वर्स, लैपटॉप्स एंड अदर डिवाइसेस फ्रॉम मेलवेयर, है ना. ये जो एप्लीकेशन होती हैं, ये आपके सर्वर्स को, आपको, आपके लैपटॉप्स को, आपके अदर डिवाइसेस को जो है आपके कंप्यूटर में घुसने से रोकती हैं, जो वायरसेस है उसमें, इन सारी चीजों में वो घुसने से रोकती है. पैच मैनेजमेंट सिस्टम, सो इट मैनेजेस द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू क्लोजली टू क्लोज सिक्योरिटी होल्स. अब ये जो पैच मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये एक तरीके से, यू नो, इंस्टॉल करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को मैनेज करता है, जो कि सिक्योरिटी होल्स को बंद कर देता है. सिक्योरिटी होल्स अगर कहीं होंगी तो वहां पे डेटा थेफ्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, तो पैच मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से उन होल्स को बंद कर देता है बाय मैनेजिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स. ठीक है ना. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो दिस गिव्स अ सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड साइन इन. तो जब आप किसी में साइन इन करते हो, लॉग इन लॉग आउट आपने सुना होगा, तो जब आप साइन इन करते हो, साइन इन भी आपने सुना होगा, साइन इन जब आप किसी चीज में करते हो, तो वहां पे देखना एक लेवल का ऑथेंटिकेशन होता है, दो लेवल का ऑथेंटिकेशन नहीं होता. मतलब आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है, दो सवाल नहीं पूछे जाते. तो यहाँ पे अभी के टाइम पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपसे दो सवाल पूछे जाने चाहिए जब आप लॉग इन कर रहे हो, है ना, उसे हम कहेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एक मेजर है, जिसका इस्तेमाल अभी के टाइम पे बिजनेसेस करती हैं. डिवाइस इंक्रिप्शन, इसका मतलब होता है किसी डिवाइस को लॉक कर देना पासवर्ड के थ्रू, ताकि वो जो है कोई और इस्तेमाल ना कर सके. ठीक है, सो दिस मेक्स एनी डेटा स्टोर्ड ऑन द मशीन यूजलेस टू क्रिमिनल्स एंड कीप्स डेटा सीक्रेट. तो ये एक तरीके से आपके डेटा को, जो भी आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है, उसको वो जो है क्रिमिनल के पास जाने से रोकता है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से डिवाइस को इंक्रिप्ट कर देता है, काम करने लायक नहीं छोड़ता. ये काम उससे वही निकाल पाएगा जिसके बारे में डेटा इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने का, यू नो, पासवर्ड या फिर कुछ है उसके पास, तो ही वो डिक्रिप्ट कर पाएगा. डिवाइस इंक्रिप्शन में जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए आपका जो डेटा है यहाँ पे एज अ सीक्रेट रखा हुआ रहता है. रूटीन डेटा बैकअप, आपको अपने जो भी कंप्यूटर में फाइल्स हैं उनको बैकअप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आपके सर्वर में फाइल्स है उसको बैकअप में रखना इंपॉर्टेंट है, तो रूटीन डेटा बैकअप आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस शुड बी अ कॉपी ऑफ द बिजनेस डेटा एट अ सिक्योर ऑफ साइट लोकेशन इन केस ऑफ ओरिजिनल इज लॉस्ट, है ना. तो ये एक तरीके से आपके बिजनेस डेटा का एक कॉपी होता है, जो कि ऑफ साइट लोकेशन में स्टोर्ड होता है. अगर आपका ओरिजिनल डेटा कहीं खो जाए, तो आप इस डेटा का इस्तेमाल करके एक तरीके से अपने बिजनेस को वापस से, यू नो, रीस्टार्ट या फिर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उन सब से आप निजात पा सकते हैं, है ना. तो रूटीन डेटा बैकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट फिल्टरिंग, दिस प्रिवेंट्स एक्सेस टू हैजार्डस एंड प्रोहिबिटेड वेबसाइट्स व्हिच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना. तो ये एक तरीके से जो कंटेंट फिल्टरिंग होता है, ये कंटेंट को एक तरीके से फिल्टर करता है, चेक करता है कि ये आपको बचाता है कि आप हैजार्डस और प्रोहिबिटेड वेबसाइट्स पे एक तरीके से ना चले जाएं, क्योंकि वहां अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है, यू नो, वायरस से या फिर अदर चीजों से, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो एक तरीके से ये रोक देता है कि आप जा ही ना पाओ. तो यहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है बाई फिल्टरिंग द कॉन्टेक्ट यू आर रीडिंग और राइटिंग. ठीक है ना. नाउ
डिजास्टर रिकवरी प्लान। सो दिस सेट्स आउट वन विल रिकवर फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस ऑकरेंस सच एज फायर और साइबर अटैक, है ना। तो ये एक्चुअली एक तरह का प्लान है जिसके तहत जो भी आपके साथ दिक्कत होती है, सपोज कोई वायरस अटैक हो गया या कुछ हो गया, तो आप किस तरीके से वापस से रिकवर करोगे, है ना। इसका नाम ही है देखो डिजास्टर रिकवरी प्लान। आपके साथ कोई डिजास्टर हुई है, उसके बाद आप किस तरीके से बैकअप करोगे, किस तरीके से आप रिकवर करोगे उस चीज के साथ, इसके बारे में ये जो है हेल्प करता है ना। अब जैसे कि सपोज डेटा चोरी हो गया या कहीं पे आग लग गया, है ना, तो उस केस में आपको अपने बिजनेस को वापस से तो स्टार्ट करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस करना ही छोड़ दोगे, तो बिजनेस वापस से स्टार्ट करोगे, तो उसको स्टार्ट करने में ये जो प्लान है आपका डिजास्टर रिकवरी प्लान, वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रिकॉशनरी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स विच एंटरप्राइजेस टेक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।